आज हमारा रैंक पुशिंग का 12वां दिन एंड आज वाले मैच में जो खतरनाक सीन हुआ है मेरे साथ, मतलब भाई आपको मैं हिंट दे देता हूँ, एक हैकर मुझे मारने आता है एंड वो जैसे ही मुझे मारने लगता है स्प्रे चालू करता है, तभी उसका अकाउंट बैन हो जाता है एंड फिर जैसे ही वो मेरे सामने लाइव बैन होता है मैं नीचे जाके उसे आराम से मारता हूँ एंड होता क्या सीन है पूरा, मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गया भाई, लाइव बैन भाई साहब। चलो दिखाता हूँ इस वाले मैच में होता क्या। सबसे पहले यहाँ पर मैं कूद रहा था अपनी लोकेशन पे बट यहाँ पर मेरी लैंडिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, इस वजह से वहां से मैं फॉल बैक करता हूँ, भाग जाता हूँ। अब जो वो वाला बंदा था वो अपना सब्सक्राइबर ही निकलता है, वो हमसे मिलने के लिए वहां पर कूदा था बट मुझे क्या पता था वो अपना सब्सक्राइबर है। अब मैं इधर से गाड़ी उठाता हूँ पहले एंड इधर से निकलता हूँ, पहले थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं एंड उसके बाद बंदों की तलाश में निकलेंगे। अब यहाँ पर मैं तब से गाड़ी लेके घूम रहा था पागलों की तरह ताकि मुझे कोई बोट वोट मिले एंड लूट दे जाए, तभी वही सीन होता है जो मैंने सोचा था, बोट मुझे मिल जाता है एंड इस वाले बोट को मारने के बाद इसकी मैं पेटी लूटता हूँ, इसकी पेटी से मुझे लूट भी मिल जाती है एंड उसके बाद सामने वाला बंदा जो हमारे साथ उतरा था उस पर सीधा पुश करेंगे। अब बोट की पेटी लूटने के बाद मैं आ जाता हूँ इन वाले घरों पर, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं पहले बंदे को देखने की कोशिश करूंगा, तभी मुझे ओपन में एक बंदा दिखता है भागता हुआ एंड वो स्प्रे कर रहा था किसी पे, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैं बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ बंदा तुरंत ही शील्ड बना लेता है, वो आगे किसी और से फाइट कर रहा था, पीछे भी ध्यान दे रहा था, मतलब अच्छा प्लेयर था, दोनों तरफ फाइट लेने की कोशिश कर रहा था, तो यहां पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब यहां पर मैं शील्ड तोड़ने की कोशिश करता हूँ बट यहां पर शील्ड मैं एकदम से नहीं तोड़ रहा था, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तभी मुझे बंदा दिखता है एंड भाई बंदा मर जाता है और उसका नाम देखो भाई, क्या ही नाम रख लेते हो यार, छोड़ो भाई। अब यहाँ पर अपने 2 किल हो गए थे, 2 किल होने के बाद यहाँ पर मैं सामने वाले बंदे पे पुश करने की सोचता हूँ जो कि इस बंदे को दूसरी तरफ से मार रहा था। अब मुझे नहीं पता था वो अपना सब्सक्राइबर है, यहाँ पर होता क्या सीन है, सबसे पहले यहाँ पर मैं गाड़ी में तेल भर लेता हूँ फिर निकलते हैं। अब जैसे ही मैं सामने वाले बंदे पे आता हूँ देखो ये कूद रहा था एंड ये काफी देर से कूद रहा था, बीच वाला पार्ट मैंने कट कर दिया। अब इतना कूद रहा था तो मैंने सोचा चलो यार सब्सक्राइबर है इससे थोड़ी सी बातचीत करता हूँ, तभी यहाँ पर मुझे एक बोट दिख जाता है जिसको मैं मारता हूँ एंड इसकी पेटी लूटता हूँ, इसकी पेटी लूटने के बाद सब्सक्राइबर के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं एंड इधर से निकलते हैं बंदों की तलाश में। अब थोड़ी देर सब्सक्राइबर के साथ बातचीत करने के बाद भाई बंदा मुझे बोलता है कि भाई मुझे मैक्लारेन की स्किन लगा के दे दो अच्छी वाली तगड़ी सी लैम्बोर्गिनी की, तो यहाँ पर मैं भाई को स्किन लगा के दे देता हूँ ताकि भाई भी यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करे है ना स्किन के साथ। तो यहाँ पर स्किन लगाने के बाद मैं बोलता हूँ भाई यार अभी मुझे निकलने दो यहाँ से क्योंकि मुझे थोड़े से किल्स निकालने हैं, मुझे गेम प्ले बनाना है, तो भाई बोलता है चलो ठीक है लास्ट में मिलते हैं पेन फाइट करेंगे, मैंने बोला ठीक है भाई डन डन बोल के मैं इधर से निकल जाता हूँ अपनी लोकेशन की तरफ, वो निकल जाता है अपनी लोकेशन की तरफ। अब उसे कहाँ पर पुश करना था कहाँ पर जाना था मुझे नहीं पता बट इस वाले मैच में 3 से 4 हैकर थे, मैं जिसको मारूंगा वो भी हैकर था ठीक है जो लाइव बैन होने वाला है, और जो मुझे मारेगा वो भी हैकर था एंड जो उसको मारेगा वो भी हैकर था, मतलब इतने सारे हैकर थे, इस गेम का क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कभी कभी मेरा सर दर्द होने लग जाता है भाई खेलते खेलते। माइनस तो नहीं हो रहा अभी क्योंकि अगर आप अच्छे से सर्वाइव करके खेलते हो सही ढंग से खेलते हो तो आपका माइनस नहीं होगा एंड आपको इवेंट भी मिल गया होगा गेम के अंदर जिससे कि आपको पहला माइनस आपका ऐसे ही फ्री में मतलब कि रह जाता है, रेटिंग प्रोडक्शन फ्री में मिल जाता है, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इस वाली लोकेशन पे, मुझे लगता है यहाँ पर कोई होगा बट यहाँ पर बिल्कुल भी हलचल नहीं मचती है, तो मैं सोचता हूँ चलो अंदर जाके देखता हूँ। अब अंदर आने के बाद मुझे थोड़ी सी लूट वगैरह मिलती है, लूट वगैरह करने के बाद मैं सोचता हूँ चलो इधर से भी निकलते हैं क्योंकि मैं सेफ तो नहीं खेल रहा था, मुझे रश खेलना था, अभी तक मैं एस पे नहीं पहुँचा हूँ, क्राउन 1 पे पहुँच गया था शायद रात को मैं, बट आज मैं एस कर दूंगा एंड मेरी जो रैंक है वो कितनी चल रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, बाकी अभी इधर से निकलते हैं बंदों की तलाश में पहले। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर से बंदों की तलाश कर रहा था, बंदे मुझे मिल नहीं रहे थे, सामने वाली बिल्डिंग की तरफ मुझे एक गाड़ी दिख जाती है दूर से, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर बंदा होगा, मैं सीधा पुश कर देता हूँ एंड यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी मतलब कि 2 बंदे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसी वजह से आया था कि मैं बंदों को मारूंगा बट यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं होता। अब होता क्या सीन है, पहले मुझे लगता है यहाँ पर कोई बंदा नहीं है बट यहाँ पर बंदा था, उसे हम मारते कैसे हैं वो देखना एंड यहीं पर वो वाला हैकर भी आने वाला है। सबसे पहले मैं चारों तरफ घूम के देख लेता हूँ बंदा कैम कहाँ पर करके बैठा है क्योंकि मुझे लोकेशन नहीं पता थी बंदे की, सीधा अंदर जाता तो बंदा अगर कैम करके बैठा रहता तो वो इजिली मुझे मार सकता था। अब यहाँ पर जब मुझे पता चल जाता है कि बंदा यहाँ पर नहीं है तो मुझे लगता है बंदा इसके ऊपर वाली फ्लोर पे होगा, तो मैं सीधा ऊपर नहीं जाता हूँ, पहले यहाँ पर नेट वगैरह कुक करता हूँ ताकि बंदा हिले बट बंदा हिलता ही नहीं है। अब यहाँ पर वही हैकर आने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था जो लाइव बैन होता है, वो मुझे मारने आया था बट मैंने उसी को मार दिया
क्योंकि वो बैन हो गया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर आके मैं देखने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे बंदा यहाँ पर भी नहीं दिखता। तो यहाँ पर मैं पिन खींचता हूँ, अगर बंदा होता तो हल्की सी हलचल तो मजा था, बट यहाँ पर बिल्कुल भी हलचल नहीं होती। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ ना, चलो रिस्क लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक नेड पिन करता हूँ एंड यहाँ पर फेंक देता हूँ। मेरे पास एक ही नेड था, बट मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, यहाँ पर मैंने नेड किया, नेड करने के बाद बंदा नहीं मरा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डर डर के आगे जा रहा था, क्योंकि बंदा अगर टीपीपी ले रहा होता इजिली मार देता मुझे, इस वजह से मैं डर डर के आगे जा रहा था। तभी मुझे साउंड आता है, बट मैं समझ नहीं पाता साउंड कहाँ से आया। तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ एंड एक मोली करने की सोचता हूँ। तो यहाँ पर मैं दीवार से टकरा देता हूँ मोली को, ताकि मोली वहाँ पर बिखर जाए और अगर बंदा वहां पर लेटा हो तो वहां पर उसको डैमेज हो। बट वो बंदा फिर भी नहीं हिलता भाई, बंदा बहुत ज्यादा ढीठ था। अब यहाँ पर होता है सीन है, सामने एक पेटी पड़ी थी, मैं समझ गया था बंदा ऊपर है, क्योंकि बंदे ने ऊपर से ही मारा होगा इस वाले बंदे को। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एंड इस बंदे की पेटी लूटने की सोचता हूँ, एंड यहाँ पर तभी मुझे हल्का सा बंदा दिखेगा जैसे मैं पेटी लूट रहा हूँ। देखना, यहाँ पर मैं पेटी पे आता हूँ एंड हल्का सा मुझे यहाँ पर ना ग्लिच से उसका पैर दिखता है, अभी नहीं दिखा बट दिखता है मुझे। मुझे याद है जब मैंने इस वाले बंदे को मारा था। सबसे पहले मैं थोड़ी सी पेटी लूटता हूँ, एनर्जी वनर्जी लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एनर्जी ड्रिंक वगैरह थी नहीं, अभी मैंने बंदे की पेटी से निकाली। अब इस वाले बंदे को क्या ही मारा है भाई, उसके बाद हैकर को क्या ही मारा है, देखना होता क्या यहाँ पर। इसलिए मैं पूरी क्लिप दिखा रहा हूँ, कुछ भी कट नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने हेल्थ वगैरह फेंकी, थोड़ी सी बैग खाली किया ताकि मैं थोड़ी सी लूट और कर सकूँ। तो इस वाली पेटी से मैं थोड़ी सी लूट और निकालता हूँ, यहाँ से मुझे मिल जाता है नेड। अब जैसे ही मुझे नेड मिला, मैंने बोला अब तो भाई इस वाले बंदे को मारना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर एंड पहले मैं सोचता हूँ बाहर से मारने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने हग दिया, बहुत ही गंदा वाला। मैं ऊपर नेड करना चाहता था बट यहाँ पर मेरे से गलती से यहाँ पर गिर गया। अब यहाँ पर मैंने एक नेड किया था आसमान में, वो आसमान में जाके अपने आप नीचे आके गिरता छत पे, बट वो वाली ट्रिक मेरी फेल हो जाती है। अब यहाँ पर मैं इस वाली ट्रिक से मारता हूँ बंदे को, देखो बूम भाई क्या ही मारा। और ये बंदा हिला तक नहीं, एंड तक नहीं हिला भाई, ये बंदा एंड तक नहीं हिला, क्या बंदा था भाई, मजा आ गया इसको मार के। अब इसकी पेटी लूटता हूँ, पेटी लूटने के बाद मैं सोचता हूँ चलो यहाँ पर थोड़ी देर हम रुकते हैं, क्योंकि जोन में थे, उसके बाद हम निकलेंगे बंदों की तलाश में, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा बचे हुए थे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर मैं जोन के अंदर था, तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ जब तक जोन अपने ऊपर है, क्योंकि मुझे लॉबी अच्छी लग रही थी, 38 बंदे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा होल्ड करूंगा तो शायद यहाँ पर मेरा ज़्यादा प्लस हो। तभी हैकर मेरे सामने आके मुझे मारने की कोशिश करता है, एंड देखो जैसे उसने मुझे मारने की कोशिश की, यहाँ पर बैन आ गया, के से नाम था हैकर का, आपने देखा। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक गाड़ी का साउंड आता है। अब जैसे इसकी गोलियां रुक नहीं रही थी, मैं समझ गया था ये नल्ला मेरे सामने वाला हैकर ही बैन हुआ है। अभी मैं गाड़ी उठाता हूँ, मैंने बोला उससे पहले कोई और उसे मारे मुझे मारना इस नल्ले को, तुम मारोगे हैकर के बच्चे, क्या हो गया लाइव बैन हो गया क्या, ये देखो मेरा बच्चा, क्या नाम था कुत्ता कमी, क्या नाम था इसका, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, मुझे पढ़ के बताना कमेंट में लिखना इसने क्या नाम रखा था अपना। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तो मुझे छोटी सी स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है, तो कुत्ता तो समझ में आया मुझे, उसके आगे क्या लिखा था मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। बट इस वाले हैकर को मारने के लिए तो एक लाइक मुझे मिलना चाहिए यार, एक लाइक तो बनता है इसके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कल भी आपको याद दिलाया था कि एक पॉपुलैरिटी वाला इवेंट चल रहा है जिसमें हमें विन करना है, तो आप सभी जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं, मेरी आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप मुझे जाके पॉपुलैरिटी दो एंड आप मुझे जिताओ, क्योंकि मैं #2 पे चल रहा हूँ, हमें #1 पे आना है एंड किसी भी तरीके से आना है। तो अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आता है या फिर मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो आप अपने भाई को पॉपुलैरिटी दे सकते हो 5255286899। कल मैंने जैसा कि बोला था वीडियो में 50 बंदों को यूसी दूंगा, कल मैंने यूसी दे दी थी, उसका प्रूफ मैंने अपलोड कर दिया अपने सेकंड चैनल पे, एंड इस वाली वीडियो में भी 50 बंदों को मैं यूसी देने वाला हूं, तो आप उसका भी प्रूफ मेरे चैनल पे देख लोगे कल की वीडियो में। तो पॉपुलैरिटी दो जाके भाई को एंड भाई प्यार दिखाओ। और भाई 5 किल अपने हो गए थे। अब यहाँ पर लोबी इतनी तेजी से खाली होगी ना, यहाँ पर सिर्फ किल फीड देखो आप, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किल फीड, मतलब आप बोलोगे भाई एक ही बंदा सबको मार रहा है, देखना अभी। अब यहाँ पर क्या होता है, हैकर मेरे सामने वाला बंदा हैकर था, अभी जिसको मैं मारूंगा वो नहीं, बट जो मुझे मारेगा वो, देखना यहाँ पर मुझे बंदा दिखता है भागता हुआ। भाई साहब क्या किस्मत है इस बंदे की, 2 हेड पड़े, 1 बॉडी पड़ा, आवाज भी आई होगी हेड पे जब पड़ा इसके, फिर भी बच गया बंदा। उसके बाद फिर से हेड पड़ा, आवाज सुनी आपने भाई, उसके पास स्नाइपर थी इसलिए मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट उसको पीछे से कोई मार देता है, ठीक है। अब जिसने उसको पीछे से मारा
वो बंदा हैकर था। अभी यहाँ पर आपको किल फीड दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था जैसा कि मैंने आपको बोला। अब यहाँ पर देखो मेरे पे कैसा स्प्रे आ रहा है भाई, सामने वाला बंदा हैकर है। अब यहाँ पर गलती से मुझे फायर हो जाता है, बट मैं देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे दिखता नहीं है, बट स्प्रे देखना आप कितनी दूर से कितना अच्छा स्प्रे कर रहा है, वो भी ऑटो पे। अब इस बंदे की किल फीड देखना आप, ये अभी उसको मारेगा जो पत्थर पे बंदा ना, उसको यही मारेगा। इसका किल दिखाता हूँ, इसका नाम क्या था वो देखना है, एंड यही हमें मारेगा बाद में जाके, होता क्या दिखाता हूँ, रुको। अब वो बंदा मुझे हैकर लग रहा था इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। देखो फायर हुआ ना, F4K करके बंदे का नाम है, ठीक है। किल फीड देखो 29 बंदे बचे हैं, जितने बंदे मरते जाएंगे ना हर बार इसी का नाम आएगा, देखना। यहाँ पर देखो 25 बंदे बचे हैं, फिर से किल फीड आई इसकी, हेडशॉट से बंदे मार रहा है। अभी देखो 24 बंदे बचे, फिर से इसी का किल मैसेज आया, ठीक है ना, फिर से इसने किसी को मारा। यहाँ पर देखो 23 बंदे बचे, फिर से इसी ने किसी को मारा, मतलब जितने बंदे कम हो रहे थे सबको यही मार रहा था। तो मैं यहाँ पर समझ जाता हूँ कि भाई ये बंदा हैकर है। अब जैसे ही मुझे कंफर्म होता है तो मैं यहाँ पर हेल्थ किट उठाने लग जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ ना कि मैं ना घूम के जाऊँगा पूरा। अब ये मेरे सामने वाली साइड था तो मैं पूरा घूम के जा रहा हूँ। जब आपको पता चल जाए सामने वाला बंदा हैकर है, मुझे साउंड आता है, ये गाड़ी थी, गाड़ी वाला निकल गया। मैंने सोचा छोड़ो इससे क्या फाइट लूँ, मार तो पाऊंगा नहीं, है ना, तो इसीलिए मैं गोल घूम के दूसरी तरफ से निकलता हूँ, क्योंकि सामने वाली तरफ तो बंदा था हैकर, अगर मैं इधर से जाता तो मुझे रास्ते में ही उतार देता, इसलिए मैं ना पीछे से घूम के जाता हूँ, पूरा जोन के एज टू एज घूम के जाता हूँ, ताकि वो हैकर ना मुझे ना मार पाए, उसका ध्यान बाकियों पे रहे। तो इधर से मैं निकल भी जाता हूँ सेफली, बट आगे जाके क्या होता है, वो हैकर नल्ला ही मुझे मारता है। होता क्या वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब बचते बचाते यहाँ पर मैं आ तो गया था, बट यहाँ पर ना मुझे हल्का सा साउंड आता है कोई है जोन के बाहर, तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तभी फायर होता है। पीछे से ही फायर हुआ था इसलिए मैंने दोनों तरफ शील्ड बना दी। अब मैं सामने से फंस गया था तो मैंने सोचा ना सामने की तरफ मैं ऐसा करता हूँ, एक ना स्मोक कर देता हूँ ताकि सामने से कवर मिल जाए। अब पीछे भी एक बंदा था, पीछे वाला बंदा जोन से ही मर जाता है मेरे हिसाब से। ये देखो हैकर मेरे सामने ही है, मार रहा है ना अभी भी F4E वाला बंदा। देखो अभी किल फीड आप देखना, लगातार इसी नल्ले की आएगी। अब इसके अलावा और भी हैकर था इस वाले मैच में, होता क्या देखना। मैं पीछे वाले को देखने की कोशिश करता हूँ, जब मुझे लगता है पीछे वाला जोन से मर गया या फिर किसी और ने उसे मार दिया, तो यहाँ पर मैं अपनी बग्गी के ऊपर स्मोक करके बग्गी के अंदर बैठ जाता हूँ, जो कि मेरी बहुत पुरानी ट्रिक है, इस वाली ट्रिक को फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पर मैं बच जाता, बट मुझे चुल थी बंदों को मारने की, मैं स्प्रे कर रहा था। सामने वाला बंदा जब मैं अपनी देखता हूँ गाड़ी, तो मैं समझ जाता हूँ ये शायद अपना ही सब्सक्राइबर है, तो मैं पहले स्प्रे करने वाला था फिर मैं रुक जाता हूँ। अब मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर स्मोक किया, एंड मैं सोचता हूँ चलो यहीं पर बैठते हैं, मैं आराम से सेफ रहता, कवर के अंदर था, शील्ड बनी हुई थी आगे, हैकर मुझे मार नहीं पाता, हैकर मारता मुझे बाद में जाके मारता, बट यहाँ पर मुझे चुल मची रहती है ना, यहाँ पर देखना क्या होता है। अभी यहाँ पर ना मुझे बंदा दिख जाता तो मैं मारने की सोचता हूँ उसे। देखो 16 बंदे बचे हैं, आराम से गाड़ी जा रही सामने से, फटी हुई गाड़ी, जैसी मुझे लगता है वो फटी हुई गाड़ी जा रही है, मैं उतरता हूँ। एंड भाई जैसी मैं उतरता हूँ हल्का से कवर से बाहर आता हूँ, नल्ला मुझे मार देता है इतनी दूर से। इस वाले मैच में फिर भी अपना 27 का प्लस हुआ। अब इसने मुझे मारा कहाँ से, देखो इतनी दूर से मारा, वो देखो कैसे मार रहा है, स्कोप भी नहीं ऑन कर रहा भाई, इतना नल्ला हैकर था ना, इसकी कुत्ते की मौत होने वाली है। ऑल पे सारे बंदे बोल रहे थे पारस भाई, तो मैं उनसे बातें करने लग जाता हूँ। एंड ये जो हैकर मरने वाला है ना, कुत्ते की मौत मरता है। देखो पहले तो ये मार रहा था अच्छे तरीके से, बट इतना बड़ा कैंपर था, इतना बड़ा बोट प्लेयर था ना, ये कसम से बोल रहा हूँ, ऐसा नल्ला प्लेयर मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। इसको साउंड तक का पता नहीं था भाई, साउंड क्या होता है इसको पता ही नहीं चलता, इसको बंदा घुस के मार देता भाई, ये किसी और को मार रहा था, पीछे से आके बंदा इसे घुस के मार देता, होता क्या सीन है। यहाँ पर बंदा आया, हैकर पुश कर रहा, देखो हैकर पुश कर रहा है, मार दिया, ठीक है। अभी देखना होता क्या, मैं सीधा वही पार्ट दिखाता हूँ जहां पर इसने मतलब अपने आप को मरवाया, इसकी मारी जैसे ना बंदे ने, देखना वो दिखाता हूँ आपको। देखो कैसे मार रहा है, कहां पर भी स्प्रे कर रहा है भाई, कुछ भी। अब यहाँ पर आप देखो इस नल्ले के हो गए थे 13 किल, सामने ये किसी को मार रहा है और इसके घर में घुस के कोई मार देता है पीछे से, देखो अभी देखना भाई साहब, ये किसी और को मार रहा है और पीछे से आके बंदा मार गया इसको भाई, इसको साउंड तक नहीं आया, कितना नल्ला प्लेयर था कसम से भाई, इतना बोट प्लेयर कैसे कोई हो सकता है, एक केडी वाला बंदा था, कितना बढ़िया खेला देखो, और ये हैक करके भी तुम नहीं खेल पा रहे हो, कैसे चलेगा भाई, गेम में टट्टी बचा रखी है तुमने, खुद की टट्टी खुद ही खाओ तुम सालो, नल्लो हैकरो।
तुम्हारी आंख में आंख, क्या बोलूं साला, मैं गाली भी नहीं दे सकता। छोड़ो यार, मूड खराब करने वाली बात है। बट आज वाले मैच में ये जो नल्ला मरा है ना, खुश हो गया मैं। मैंने सोचा आपको भी खुश करूं ये वाला गेम प्ले दिखा के। एंड उस वाले हैकर के लिए तो लाइक बनता है, जो बैन हुआ था उसको मैंने मारा भाई, उसके लिए तो लाइक बनता है, लाइक करना पड़ेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। तीन चार बंदे ना टीम अप करके खेल रहे थे, ग्लेशियर व्लेशियर सब, मतलब अच्छी आईडी थी, उनको एक्सपोज करूँ क्या? अच्छी आईडिया लेके अच्छे प्लेयर होके भी टीम अप कर रहे हैं, ऐसे बंदों का एक्सपोज करूँ क्या? मैंने उनकी वीडियो बना के रखी है, मैं सोच रहा हूँ ना उनके खिलाफ एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। आप क्या बोलते हो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, आप मुझे पॉपुलैरिटी फ्री वाली दे सकते हो। अगर आप प्यार दिखाओगे तो हम जरूर जीतेंगे। अपना प्यार दिखाओ जाके, मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है।